गिरिपेट के गॉडफादर कैफे में संचालित हुक्का पार्लर पर परिमंडल दो की टीम ने छापा मारा। टीम को सोमवार की रात 9 बजे कैफे में ग्राहकों को कोरोना नियमों को ताक पर रखकर हुक्का उपलब्ध कराने की खबर मिली थी। इस आधार पर डीसीपी विनीता साहू के निर्देश पर दस्ते ने रात 9:15 बजे छापा मारा। कैफे में मालिक और कर्मचारी ग्राहकों को हुक्का उपलब्ध कराते मिले। आरोपी संचालक, कैफे कर्मचारी और ग्राहकों सहित 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कैफे से हुक्का और फ्लेवर सहित 5,700 रुपए का माल जब्त हुआ। इसी तरह शनिवार की देर रात धर्मपेट स्थित रूफ 9 रेस्टोरेंट में कोरोना नियमों का उल्लंघन कर ग्राहकों को भोजन कराए जाने की खबर मिली थी। इसे देखते हुए पुलिस टीम ने रात 12 बजे रेस्टोरेंट पर दबिश दी। वहां रेस्टोरेंट के मैनेजर शुभम जायसवाल, कर्मचारी प्रेम कुमार शिंदे, सैयद इफ्तार मुख्तार और शारदा प्रसाद पांडे ग्राहकों को भोजन उपलब्ध करा रहे थे। होटल कर्मचारी मास्क भी पहनकर नहीं थे। इसके चलते आरोपियों के खिलाफ आपत्ति व्यवस्थापन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। देखिए, एक हुक्के की जो कार्रवाई है उसके बारे में हमको काफी दिनों से कंप्लेन आ रहा था कि गिरिपेट में एक गॉडफादर कैफे है जहाँ पर कि यंगस्टर्स को हुक्का सर्व किया जा रहा है। हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलते ही जो जोन 2 का पथक है उन्होंने तत्काल यहाँ पर रेड किया और रेड में हमको ये दिखाई दिया कि हुक्के के पॉट्स और फ्लेवर्स के साथ ही यंगस्टर्स वहाँ इसका सेवन कर रहे थे। तो ऐसे में हमने जो मैनेजर है, मालिक है और स्टाफ है और साथ ही जो कुछ यंगस्टर्स वहाँ बैठ के कंजम्पशन कर रहे थे उनके ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस के तहत और साथ ही कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।